हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ब्लॉग वेबसाइट के लिए कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अच्छे खासे आर्टिकल लिख सकते हैं, और CPC के साथ मैं बता रहा हूँ, और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, और इसका जीरो डिफिकल्टी है, ठीक है। और मैं आपको अभी सारा कंडीशन आपको बताता हूँ, सब का सब जो ट्रैफिक है आपको मिलेगा USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, फिलीपीनिया, जापान, अपने इंडिया का ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा हर कीवर्ड को टारगेट करता हूँ USA और UK और कनाडा का, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो कंट्री है CPC ज़्यादा देती है, ठीक है। तो आप लोग भी जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसे अपने इंडिया पे टारगेट ना कीजिए, ठीक है, बहुत कम टारगेट कीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा USA UK का टारगेट कीजिए, क्योंकि मेहनत आपको उतना ही करना है, तो क्यों ना उतने ही मेहनत में हम ज़्यादा पैसा कमा लें, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका होता है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। और मैं भी इसको अच्छे से बताता हूँ, ह्यूमन कंडीशन को कैसे आर्टिकल लिखना है। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करते हैं और सभी लोगों का मैं जवाब, और जो चीज़ें रही बात, यहाँ पर एक कमेंट क्वेश्चन, अगर मेरे कीवर्ड लॉन्ग टेल परमालिंक पूरा है तो लॉन्ग टेल केयर कीवर्ड रहेगा केवल जिस पर फोकस करना है। देखिए, अगर कीवर्ड को अगर लॉन्ग टेल करेंगे तो क्या है कि नहीं, मैं आपको हर बार बताता हूँ, जो भी कीवर्ड को लॉन्ग टेल करना, अगर कीवर्ड को लॉन्ग टेल, जो हमारा कीवर्ड है, सपोज ये हमारा ह्यूमन कंडीशन का कीवर्ड है, ठीक है। अभी कीवर्ड को क्या है, ये ह्यूमन कंडीशन 10,000 सर्च वाला, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको लॉन्ग टेल बनाना है आपको, ठीक है, ये दो ही कीवर्ड तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपका जो परमा लिंक होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कीवर्ड हो, ठीक है। परमा लिंक जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड करेंगे, जो भी कीवर्ड का मल्टीपल होगा, ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि इसे लॉन्ग टेल करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है द ह्यूमन, मैं सबसे पहले स्पेस मारता हूँ यहाँ पर द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, द ह्यूमन कंडीशन पे अब इसको रैंक करना है, ठीक है। जो टारगेट कीवर्ड होगा हमारा, द ह्यूमन कंडीशन पूरा कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन जैसे कोई सर्च करेगा तो जो हम टारगेट करेंगे SEO, जो बैकलिंक बनाएंगे ह्यूमन कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। और आप URL में इसे लिख सकते हैं द ह्यूमन कंडीशन। अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये रही यहाँ पर कुछ वेबसाइटें हैं जो द व्हाट एग्जैक्टली द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या है कि टाइटल में यह लिखा है पर जो टारगेट कीवर्ड है इसका कुछ और है, वही का ह्यूमन कंडीशन को टारगेट किया, ठीक है, जो टारगेट किया है ह्यूमन कंडीशन का, यहाँ पर द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, द ह्यूमन कंडीशन का टारगेट वही टाइटल में है और वही इसके परमा लिंक में है, ठीक है। तो टारगेट कीवर्ड को पर रैंक है। अभी यहाँ पर द ह्यूमन कंडीशन को टारगेट करना है तो आप करना टाइटल और परमा लिंक वही रहेगा, ठीक है। और द ह्यूमन कंडीशन को अगर टारगेट करना है तो आप यहाँ पर द ह्यूमन कंडीशन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिए। यहाँ पर क्या है, इस वेबसाइट पे ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन, और इस पे है द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, दोनों कीवर्ड को टारगेट किया गया, ठीक है, और वेबसाइट को सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि जो सर्च वॉल्यूम है किस पे है, ह्यूमन कंडीशन पर, ठीक है। ये सब के जैसा भी SEO में बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग का आप सीखना चाहते हैं, टॉप लेवल का कीवर्ड सर्च करके आप खुद अपना ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीख सकते हैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग संबंधित। अगर कोई कीवर्ड आपको चाहिए, ठीक है, अच्छे निश के चाहिए, जो जीरो डिफिकल्टी के साथ जो निश है, अगर उस पर आपको कीवर्ड चाहिए या टॉप लेवल के ब्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ प्राइस चार्ज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें टॉप लेवल में बताऊँ। विद इन 90 दिन के अंदर आपने ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है, 90 दिन के अंदर आप ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना देंगे। मैं पूरा आपका प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा, कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, किस कीवर्ड पर काम करेंगे, किस टाइप की आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, किस टाइप की वेबसाइट होगी, किस कीवर्ड पर काम करना है, और कितने वर्ड का आर्टिकल लिखना है आपको, और कितना आर्टिकल लिखना है, उसके बाद गूगल एडसेंस अप्लाई करना है, और उसको फिर उसके बाद मतलब SEO करना है क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट आपकी वेबसाइट का बना के दूंगा, ठीक है, कि आप इस हिसाब से काम कीजिए, 90 दिन काम कीजिए, 90 दिन के बाद आपका ब्लॉग वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको दूंगा, समझाऊंगा, ठीक है, कि इस वेबसाइट को ऐसे ऐसे करना है और इसको कंटिन्यू क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं अच्छे से प्रोजेक्ट आपको बना के बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे अभी यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ईमेल आ गए हैं, लगभग 25-30 ईमेल मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी रिप्लाई भी नहीं हुआ है, 12-13 ईमेल का रिप्लाई ना, अभी कुछ लोगों का रिप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप जितने लोग अभी मेरे साथ जितने लोग कॉन्टैक्ट में हो रहे हैं, ठीक है, जो मुझसे सीख रहे हैं,
मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं 3 महीने के बाद इसी चैनल पे जितने लोगों को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सभी लोगों को मैं बुलाऊंगा और मीटअप करूंगा और सबको मैं बुला के और आप लोगों को इसी चैनल पे आपको उन लोगों को दिखाऊंगा कि उन लोगों ने, और मैं मेल के साथ आपको दिखाऊंगा, जो मेल आज पड़ा रहेगा वो 3 महीने बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा और उन लोगों को भी दिखाऊंगा ला के इस चैनल पर कि जिन लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया उनकी वो वेबसाइट किस हालत में है, किस लेवल पर वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर राइट वे में अगर आप काम करेंगे तभी जाके राइट की, अगर ये कीवर्ड में आपको नहीं, अगर आपको इस कीवर्ड पर अगर नहीं पता है कि ह्यूमन कंडीशन पर कैसे आपको सर्च वाले में डिफाइन करना है, कैसे हमको टारगेट करना है कीवर्ड को, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि आप जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको ह्यूमन कंडीशन आप कम्फर्ट, ठीक है, अब इस पर सर्च वॉल्यूम है कि नहीं आपको पता नहीं है, कैसे टारगेट करना है इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, कितने आर्टिकल लिखने हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ अगर राइट वे में अगर यही मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में वही मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी भी कीवर्ड पे काम करेंगे तो वो आपका मेहनत क्या होता है, 1 महीने बाद अपने आप वो दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप राइट वे में नहीं काम कर रहे थे ना, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, इसके वजह से आपके दिमाग में आता है कि नहीं कर पाएंगे। अगर सही जोन में काम करेंगे तो आपको दिमाग में ये भी आएगा कि हाँ मैं सक्सेस हो सकता हूँ 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको इस पे बताता हूँ कि आप इस पे अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हैं ह्यूमन कंडीशन पे। अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखा था, यूट्यूब की वीडियो यहाँ पर पूरा पड़ा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों पड़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे आप जाएंगे हिंदी अंग्रेजी में दोनों सर्च कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन कंडीशन इन हिंदी अगर मैं कर देता हूँ तो अभी देखेंगे यहाँ पर कितने लोगों ने बताया है, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन इन हिंदी में, तो यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा आर्टिकल ह्यूमन नेचर मीनिंग इन हिंदी डेफिनेशन, ठीक है, अच्छा खासा आर्टिकल लिखे लोग हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों लिखे आर्टिकल, ठीक है, तो ऐसा जरूरी है कि अंग्रेजी में ही रैंक करेगा। पर अगर आपको अगर USA ऑस्ट्रेलिया UK से और कनाडा से अगर ट्रैफिक लेना है तो आपको हर हाल में इंग्लिश में ही आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आता आपके वेबसाइट से वो चले जाएंगे, जब चले जाएंगे तो बाउंस रेट बढ़ेगा, फिर उसके बाद यूजर इंगेजमेंट नहीं होगा तो आपको गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को डिसरैंक करेगा, हमेशा बार बार डिसरैंक करेगा। जब लोग बाउंस हो जाते हैं तुरंत, 1 मिनट नहीं आए तुरंत चले गए जब उनके मतलब की चीज़ें नहीं मिली, तो जब बाउंस होते हैं तो वो गूगल काउंट करता है SEO, ठीक है, तो वो SEO क्या करता है, वो डिसरैंक करते चला जाता है, आप कितना भी बैकलिंक बनाते चाहेंगे जैसे वो रैंक होगा, जैसे यूजर आना ट्रैफिक आगा, अगर जब बाउंस होने लगेंगे तो फिर वो क्या करेगा, जितना भी आपको एफर्ट था बैकलिंक बनाए थे वो फिर डिसरैंक कर देगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह के कीवर्ड को क्या करें, अब इंग्लिश में लिखना प्रयास करें, ठीक है, अंग्रेजी अगर आपको कीवर्ड अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो मेरे पास बंदे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे आर्टिकल आपको लिखवा के दे दूँगा, ठीक है, कुछ प्राइस चार्ज करते हैं, अच्छा आर्टिकल लिख के देंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड बताता हूँ, यहाँ पर क्या कि 3-point turn, अब मैं आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड बताऊँगा कि माय डियर फ्रेंड्स 0 difficulty के साथ 10,000 कम सर्च वैल्यू मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ताकि आपको ट्रैफिक आपकी वेबसाइट से मिल पाए, ठीक है। अभी क्या है कि 3-point यहाँ पर 3-point turn, अभी यहाँ पर क्या है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना अच्छा कीवर्ड है और आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, 3-point turn यहाँ पर एक वीडियो है ड्राइव करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ड्राइव टेस्ट डॉट हाउ टू ब्रिज थ्रो ए 3-point turn इन 6 steps, हाउ टू मेक ए 3-point turn सेफली कार एंड ड्राइवर, ठीक है, हाउ टू डू 3-point turn ड्राइविंग गाइड, क्या है इसको कुछ नहीं बताना आपको, 3 steps आपको बताना है कि आपको कैसे टर्न होना है, ये कौन सा इंडिकेशन करता है कि किस डायरेक्शन में गाड़ी हमारी घूम रही है, बाएं तरफ घूम रही है दाहिने तरफ घूमेगी, ठीक है, ये वही बता रहा है कि 3-point कौन सा है ऐसा, कि 3-point to signal कौन सा है, 3-point to tips कौन सा है, 3-point turn स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको पता चलेगा कि ये 3 point कौन से है, जैसे कि वो टर्न होती है चीज़ें, बाइक हो गया, ठीक है, बाइक हो गया कार हो गई, कैसे टर्न होती है, कैसे हमको कौन सा सिग्नल हमको मिलता है, वही अपने ब्लॉग वेबसाइट में बताना है, ठीक है। और इतना अच्छा ये कीवर्ड है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना, आपको यूट्यूब पे चलाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर आपको आर्टिकल में थोड़ा सा बस लिखना है, ज़्यादा इस पर आर्टिकल नहीं लिखना है, और इमेज लगाना है, ठीक है, इस पर अपने ब्लॉग वेबसाइट पर यूट्यूब का वीडियो लगाना है और इमेज लगाना है, ठीक है, और आपको इमेज ज़्यादा लगाना है, ठीक है, इमेज ज़्यादा लगाइए, आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा कम लिखना पड़ेगा क्योंकि जो इमेज में आप दिखाएंगे वही चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, यही तो लिखना है, और इसमें कुछ है लिखना नहीं है, जो इमेज में आप दिखाएंगे, जो जो पिक्चर आप दिखाएंगे उसी के तो डिस्क्राइब करना है आपको अपने वेबसाइट पे, और आपको वीडियो भी दिखानी है, ठीक है, वहाँ पर तभी जाके यह रैंक होगा, ठीक है।
तो ये ह्यूमन कंडीशन क्या हो गया, एक थ्री पॉइंट का मैं आपको लास्ट कीवर्ड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सब बहुत इजी कीवर्ड है, बहुत अच्छे से सीपीसी अच्छे हैं, क्योंकि इस पे $1 का सीपीसी है, 13,000 का सच वन, सबके सब यूएसए से हैं, ठीक है। यूएसए से 13,000 सच वन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अपने इंडिया का कीवर्ड है ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको एक और अच्छा सा कीवर्ड बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। और इसमें क्या है कि मेलबा क्या है, मेलबा टोस्टा, ठीक है, मेलबा टोस्टा टोस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है कि एक रेसिपी है, खाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब इस पर रेसिपी वाले पे आप बता दूँगा, मेलबा टोस्ट जैसे वो होता है ना कि जिसे रस बोलते हैं, टोस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वही है टोस्ट, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको बहुत अच्छे से बनाए, कैसे बनता है आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आपको आर्टिकल लिखने नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर सब लोगों ने पोस्ट लिखा, अभी यहाँ पर एक वेबसाइट ने यहाँ पर लिखा गया है, लव फूडी जी एक अच्छी वेबसाइट है, उसमें 22 मिनट पहले इसने लिखा है और इसका आर्टिकल लिखे रैंक है मेलबा टोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्च वाले 12,000 का जो ट्रैफिक है आपको यूएसए से, 12,000 का ट्रैफिक सीधे सीधे यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब की सब वेबसाइटें रैंक है, मेलबा टोस्ट से यही वाली है, ठीक है। टारगेट क्या किया गया, वही टारगेट किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टारगेट हमारा कीवर्ड यही है और इसी कीवर्ड को लोगों ने टारगेट किया, जब ये कोई सर्च कर रहा है तो यहाँ पर जितने भी वेबसाइट है, अच्छा आर्टिकल जो लिखा है और जिस पे बैकलिंक बना हुआ है, जिस पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, वेबसाइट को गूगल फर्स्ट पेज पे ला के दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये सारे जितने भी कीवर्ड मैं बताऊँ, रिलेटेड आज का कीवर्ड मेलवा, ये रेसिपी वाला कीवर्ड हो गया, ये हमारा हो गया 3 पॉइंट, ये ब्लॉग वेबसाइट का कीवर्ड हो गया और ये भी हमारा ब्लॉग वेबसाइट का कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आएगा वीडियो, और इसी तरह के मैं आपको जो मैं आपको कोर्सेज में बताऊंगा, जो मैं आपको, ठीक है, जो कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग कैसे किया जाता है, अमेजोन अफिलिएट के लिए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप किस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, कौन सी निश पे आपको काम कर सकते हैं, जीरो डिफिकल्टी के साथ कैसे आप काम कर सकते हैं अफिलिएट वाली वेबसाइट पर, ठीक है। मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा कि इस कीवर्ड पे आप टारगेट कीजिए, आपको ट्रैफिक मिलेगा, सेल्स होगी। और ब्लॉगिंग के लिए मैं टॉप लेवल के कीवर्ड बताऊंगा, यहाँ तो मैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर मैंने बताया कि 1.5 लाख 2 लाख का ट्रैफिक है, 2-2 लाख का, 1.5-1.5 लाख का ट्रैफिक है, जीरो डिफिकल्टी के साथ मैंने बताया, लो कंपटीशन, बिल्कुल लो कंपटीशन, $3 का सीपीसी है इस वाली वीडियो में, आप जाके जरूर देखें, $4 का सीपीसी, $15 का सीपीसी, $7 का सीपीसी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे खासे सीपीसी वाले और सर्च वाले के साथ मैं आपको कीवर्ड बताऊँ, जाके आप जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। और अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं abhishekkumargautam9616@gmail.com पे, मैं आपको अच्छे से वो सारा प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा आपके वेबसाइट से रिलेटेड का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।